हमें चूंकि पहली बार हुकूमत मिली, हम देख रहे हैं कौन कितने पानी में। खान साहब का वो एक दफ़ा मुझसे कहने लगे कि हम लोग जहाज़ में कहीं जा रहे थे, तो मुझे कहता हाँ वो कैसा गया तेरा टेलीथोन। मैंने कहा पैसे मांगते हुए शर्म बड़ी आती है, शुरू में मुझे भी आती थी, बाद में मैं ठीक हो गया था। मुखालफों को मैंने ऐसे हैंडल किया। नौजवानों से मैं कहता हूँ चिल प्रोग्राम। इमरान खान की कोई एक खामी बताएं। जिस जो कोई बात करता है फौरी तौर पे उस पर थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? कुछ ठीक, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अभी फिटनेस का राज क्या है? सही, तो बड़ा सवाल किया आपने, बहुत शुक्रिया। मैं आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन खाना ज़रा कम खाता हूँ। तो कोई गजाइत का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज, जिम क्या करते हैं? वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी हम गेम करते हैं, बैडमिंटन वगैरह, और खाना कम, क्यों कहते हैं ना कि सबसे अच्छा वर्कआउट आपको किचन में ही करना चाहिए। हाँ, वैसे तो रेनोवेशन चल रही है, हम भी साथ लॉन बन रहा है आगे, और ये जो हमारा ड्राइंग रूम जहाँ पे मैंने आपको बिठाना था वहाँ पे तो इस वक्त आप नहीं बिठा सकते, ये हमारा पैटियो है, और अंदर तो इस वक्त आप सारे सो रहे हैं। और गाना जो आपका आया बिलो, आपके 8000 रुपये पे खर्चा है, कमाया कितना था आपने उस गाने? 8000 नहीं, 60000। 60000? 60000 खर्चा आया था, और कमाया भी कोई ख़ास नहीं था। लोगों की तो कोशिश थी कि मैं कुछ भी ना कमाऊं, और सारा वो कमा जाए, हालांकि 2 करोड़ से ज़्यादा वो सीडीज बिकी, बट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, क्योंकि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किया था कि मुझे रॉयल्टी देंगे वो, जिसके ऊपर वो बहुत खुश थे कि रॉयल्टी देनी नहीं पड़ेगी। वो 60000 दे रहे थे मुझे वंस फॉर ऑल, मैंने कहा नहीं तुम मुझे 10000 दे दो और 60000 ना दो और साथ 1 रुपी रॉयल्टी दे दो। तो उन्होंने कहा ये बता बहुत ही कोई बेवकूफ़ है, तो उन्होंने एग्री कर लिया, बस फिर मेरा 2 करोड़ तो बनता है ना उनके पास। पहला ही गाना था बिल्लो और न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया, हराम है ये गाना, ये गाना क्या झिझका लगा था? मुझे अंदाज़ा था कि हराम नहीं है, बिल्लो को प्रपोज कर रहा हूँ मैं, उसको डोली भी पा के उन्होंने घर लेके आवाँगा, पूरी डिस्क्रिप्शन है उसकी, होना नहीं चाहिए। तो लेकिन वो मुखालफत तो होती है ना, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हिट होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो उसके फेम में अपना फेम लेने के लिए भी उसके साथ कई ऑब्जेक्शन कर देंगे कि कोर्ट में चले जाएंगे, तो अक्सर होता है ऐसे गानों में। आप अच्छी करते हैं, नहीं खान साहब का वो एक दफ़ा मुझसे कहने लगे कि हम लोग जहाज़ में कहीं जा रहे थे, तो मुझे कहता हाँ वो कैसा गया तेरा टेलीथोन, सहारा वाला तू कर रहा था। मैंने कहा खान साहब अच्छा गया, लेकिन मैंने कहा पैसे मांगते हुए शर्म बड़ी आती है, शुरू में मुझे भी आती थी, बाद में मैं ठीक हो गया था। अच्छा, म्यूजिक की चोट अब सियासत ज्वाइन की, क्या वजह थी इसकी, सियासत में क्यों आई? चेंज चाहे ना कोई बड़ी चेंज, कोई बड़ा करे, हम लोग हर वक्त गिले ही करते हैं ना सारे, क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं करते उठ के, अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, तौफीक दी है तो करें ना कुछ। देखो हर बंदे ने रोल प्ले करना है, चाहे वो सियासत में है या नहीं है, वो एक तरह से है सियासत में, अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं टैक्स नहीं दे रहा तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, और वो नेगेटिव रोल है, अगर मैं दे रहा हूँ तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, मुल्क की सियासत में, मुल्क की हुकूमत में, मुल्क की फाउंडेशंस को ठीक करने में। तो अपनी राय का इजहार, और एक अच्छा कोई बंदा आपको मिल जाए तो उसको तो ज़रूर आप, बिल्कुल। तो पीटीआई ही क्यों चुनी आपने? बाकी सारे एक्सपोज हो चुके थे, उनको मौका मिल चुका था, उन्होंने जो किया है हमारे सामने, हम उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, तो हम एक नए शख्स को आजमाना चाहते थे, और वो ऑनेस्ट था, वो दिलेर था, वो बहुत सारी खूबियों का मालिक था, वो ज़िद्दी था कि काम करके दिखाना है। तो इधर एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, तो मुझे बहुत सारी अपनी चीज़ों की छलक नज़र आती थी कि काम करना है, बच्चों जैसी ज़िद नहीं होती कि बस मैंने करना है। तो हमारे पॉलिटिशियंस में यूजुअली ये करंट मिसिंग होता है, मुझे लगा ये काम करेगा बंदा, और हम इसके साथ मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी हेल्प करेंगे, सो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। तो तब्दीली आई कुछ?
लाइक याद रखें कि ये एक स्लो अमल होता है, और जिस मुल्क में बिगाड़ इतना ज़्यादा हो, अब मैं रेनोवेशंस कर रहा हूँ ना घर में, मेरा वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा था कि एक चीज़ ठीक करनी हो ना तो उस पर वक्त भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट भी ज़्यादा लगती है, और स्किल सेट भी ज़्यादा चाहिए होता है। एक नए सिरे से बनानी हो ना तो उस पर बड़ी आसानियाँ होती हैं। तो हमने तो एक पूरा मुल्क ठीक करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी नीयत है, इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी डायरेक्शन है कि दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टीम अच्छी बन गई है कि नहीं बन गई। फिर वो बात आ जाती है कि अच्छी टीम भी आहिस्ता आहिस्ता बनती है। हमें चूंकि पहली बार हुकूमत मिली, हम देख रहे हैं कौन कितने पानी में, कौन कितना काम करेगा, कौन कौन वर्बोसिटी पे यकीन रखता है, कौन अमल पे। अच्छा, क्या इमरान खान की कोई एक खूबी और एक खामी बताएं? बहुत सारी खूबियाँ जैसे मैंने जिक्र किया है कि ही इज़ वेरी एडमेंट, इज़ वेरी डिटरमिंड टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, और उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। फिर ये है कि खामी के बारे में, खामियाँ भी यकीनन होंगी, मुझे लगता है बिलीव कर लेते हैं, जिस जो कोई बात करता है फौरी तौर पे उस पर थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, उसके ऊपर ज़रा रिसर्च ज़्यादा कर लिया करें तो ज़्यादा मुनासिब हो। अच्छा, रेड क्रिसेंट के आप चेयरमैन बने तो बड़े लोगों ने मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे हैंडल किया अपने मुखालफों को आप लोगों ने? मुखालफों को मैंने ऐसे हैंडल किया आपने देखा नहीं, कोर्ट में चले गए थे मेरे खिलाफ, तो फिर मुझे भी जाना पड़ा। मैं तो पहले भी कई दफ़ा जा चुका हूँ जज चढ़िया कचहरी, तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, हम वो केस जीत गए। उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया, फिर इंटरनल इश्यूज़ थे कुछ, मैं चाहता था क्योंकि मैंने एक इदारा चलाया हुआ था, मुझे पता था चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को शफाफ कैसे होना चाहिए, आप एफिशिएंटली कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कितने शॉर्ट से टाइम में आप कर सकते हैं, मैं वो करवाना चाह रहा था, वो करने के मूड में नहीं थे, तो वहाँ पर इख्तलाफ आया, लेकिन फिर किया भी। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए इसी चक्कर में कि 15 दिन में अस्पताल बनाएंगे कोरोना का, खुदा के लिए रहने दें, आप किस दुनिया से आ गए हैं, शर्मिंदा होंगे, साथ हमें भी कराएंगे, हमारी इतनी उम्र गुजरी है। हम मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, आप काम करना है तो करें, आप चले गए छोड़ के। 15 दिन में हमने अस्पताल बना लिया, अल्लाह बनाता है, तो करके दिखा दिया। फिर जो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ की, चीज़ों की तकसीम के हवाले से, उस पर हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। उसके ऊपर कुछ लोगों को बुरा लगा, ये जो पुलिसिंग कर रहे हैं ये क्या है, पहले तो ये ऐसा नहीं होता था, पहले तो हम अपने मर्ज़ी के लोगों को बांट लेते थे। मैंने कहा वो टाइम गुजर गया, ना हम पीटीआई वालों को बांटेंगे, ना बांटने देंगे, ना किसी नून लीग वालों को, हम इंसानों को बांटेंगे। किसी के साथ भी ताल्लुक़ हो, सिर्फ क्राइटेरिया पे पूरा इंसाफ है ना, अलग जवाब देना। सियासत में आए हैं, दुश्मन ज़्यादा बनाए कि दोस्त ज़्यादा बनाए हैं? दोनों बनते हैं, और कुछ का तो पता भी नहीं चलता कि दोस्त है या दुश्मन है, सियासत है ना। तो सबसे बड़ा दोस्त आपका अल्लाह, उसके साथ दोस्ती रखे ना तो बस बाकी मामला तो देख लेता है, आपके दुश्मनों को भी देख लेता है और आपके दोस्तों को भी देख लेता है। इब्राहिम हक मुसीकार ना होते तो क्या होते? मैं मौसीकार हूँ, पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ चले अगर तस्लीम कर भी लिया जाए तो मैं लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग टाइप चीज़ होता कुछ, कि किसी में अखबार में लिख रहा होता, या मैं कोई एक दो तीन किताबों का मुसन्निफ होता जो मैं अब नहीं हूँ, शायरी की और कुछ फिक्शन की, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मैं ब्यूरोक्रेट होता। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं बन जाऊँ किसी भी तरह से। जो आदम से इख्तलाफात कम हुए कि अभी भी वैसे ही चल रहे हैं? मेरी तरफ से तो थे भी नहीं कुछ, मैं तो हमेशा कोशिश की है कि, मैं तो उसे बल्कि कहा था गाना मिलके बनाएं बड़ा हिट होगा, बल्कि उसको मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिया, मैंने कहा गाने के अंदर हम लोग लड़ रहे होंगे आपस में। हाँ, एक छोटी सी बच्ची ऑटोग्राफ बुक लेकर आएगी तो वो हम दोनों बैठे होंगे तो दरमियान में हो, एक तरफ से वो तू पकड़ लेगा, दूसरी तरफ से मैं, और वो हम खींचेंगे वो फट जाएगी और वो रोने लग जाएगी, और यहाँ से गाने का आगाज़ होगा। और मैंने बड़ा उसको बताया क्योंकि एक मज़े का गाना बनेगा, हिट होगा, तो एंड पे हम लोगों को बताएंगे कि नहीं हम यू नो एक हैं दोनों, और वो सीन ये होगा कि जहाज़ में टेररिस्ट आ जाएंगे और हम दोनों मिलके उनको
काबू पा लेंगे और जहाज़ को सेफ लैंडिंग करा देंगे, तो हम दोनों पाकिस्तान का झंडा पकड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो मैंने उसे कहा, लेकिन वो माना नहीं, पता नहीं उनके नाम मानने की वजह क्या थी। वो समझता मैं ठीक नहीं हूँ, कहता तो वैसे ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, नौजवानों के लिए कोई पैगाम हो जाए? नौजवानों से मैं कहता हूँ चिल प्रोग्राम। ये जो बड़ी बड़ी बातें मशवरे आपको देते हैं ना, इनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा एक ही मशवरा सुन के उस पर अमल कर लो, और वो है शगल मुगल में लाइफ गुजार दो। लेकिन इसको गौर से सुनना, इसमें शगल भी है और मुगल भी है, यानी बादशाह बनना है आपने, और शगल शगल में बनना है, इंजॉय करना छोड़ना नहीं है लाइफ को। टारगेट रखो बड़ा, उसको अचीव करो, उस दौरान आप कॉमरेडशिप को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ मिलके एंजॉय करो, साथ म्यूज़िक कर सकते हो वो भी करो, लेकिन एक टारगेट ज़रूर रखो यार। मतलब एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, जवानी भी एक दफ़ा मिलती है, बार बार थोड़ी आएगी, फिर बाद में सोचोगे यार कुछ कर लेते। सो कुछ बड़ा करोगे ना, उसमें बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हारी बाद वाली लाइफ के लिए भी बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, जवानी के बाद वाली भी, फिर बुढ़ापे वाली भी, बुढ़ापे के बाद वाली भी, और आखिरत वाली भी। तो ऐसा क्यों ना हम सोचें, शगल मुगल, बस ये मैसेज है मेरा। तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 माला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग।